नमस्कार मैं अनिल सक्सेना डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड लॉ आज की पीपीटी है कैपिटल गेंस के ऊपर कैपिटल गेंस हमारा जो, इनकम टैक्स का फोर्थ हेड है और ये चैप्टर बीकॉम और एमकॉम दोनों के सिलेबस में है इसलिए आज का ये डिस्कशन जिसको हम शुरू कर रहे हैं कैपिटल गेंस को ये हम कुछ पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे और इसका ये फर्स्ट पार्ट बी कॉम और एम कॉम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा तो कैपिटल गेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी जो इसेंशियल कंडीशंस हैं हम ये जानते हैं कि हमने इनकम टैक्स के अभी तक तीन हेड पढ़े जैसे सैलरीज़ है इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टीज़ है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है और जो भी हेड हमने पढ़े उन सब में हमने किसी इनकम को टैक्सेबल करने की एसेंशियल कंडीशंस डिस्कस की जैसे कि उदाहरण के लिए सैलरीज़ हेड के अंदर हमने कहा कि जब तक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स नहीं होते तब तक हम किसी इनकम को सैलरी uh, हेड में टैक्सेबल नहीं कर सकते ठीक इसी प्रकार से यदि हम कैपिटल गेंस की बात करें तो कैपिटल गेंस हेड में किसी इनकम को टैक्सेबल करने के लिए जो एसेंशियल कंडीशंस होती हैं उसके लिए कैपिटल एसेट और ट्रांसफ़र ये दो जो वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कैपिटल एसेट का मतलब किसी करदाता ने किसी एसएससी ने कोई पूंजी संपत्ति कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र किया हो हस्तांतरण किया हो जब तक कोई पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होगा वैन अंटेल एंड सम कैपिटल एसेट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर तब तक कैपिटल गेंस हेड में इनकम को हम टैक्सेबल नहीं कर सकते तो तीन असेंशियल कंडीशंस कैपिटल गेन हेड की होती हैं देर शुड बी ए कैपिटल एसेट एंड दैट एसेट शुड हैव बीन ट्रांसफर्ड एंड दैट ट्रांसफर शुड हैव टेकन प्लेस इन प्रीवियस ईयर कोई पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण हुआ हो और वो हस्तांतरण गत वर्ष में हुआ हो जब तक पूंजी संपत्ति हस्तांतरण और हस्तांतरण का गतवर्ष में होना ये सुनिश्चित नहीं होगा तब तक हम किसी इनकम को कैपिटल गेंस हेड में टैक्सेबल नहीं कर सकते इनकम टैक्स एक्ट की जो डिफरेंट सेक्शंस हैं और जिनमें कैपिटल गेंस हेड कवर्ड है उन सेक्शंस का यदि हम विवरण देखें तो हम जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन टू जो है वो डिफरेंट वर्ड्स को डिफ़ाइन करने वाली सेक्शन होती है न सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट की ही बल्कि अधिकतर एक्ट्स में सेक्शन टू जो है वो डिफ़ाइनिंग सेक्शन होती है तो इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन टू फोर्टीन में कैपिटल uh, एसेट वर्ड की परिभाषा दे रखी है सेक्शन टू फोर्टी टू ए में शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की परिभाषा दे रखी है सेक्शन टू फोटी टू बी में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस की डेफिनेशन है और सेक्शन टू फोर्टी सेवन में ट्रांसफ़र वर्ड को को डिफ़ाइन किया गया है तो सेक्शन टू जो है वो कैपिटल गेंस से रिलेटेड इन चार वर्ड्स को डिफ़ाइन करती है इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये क्या होते हैं इनका डिटेल में अध्ययन हम आने वाले स्लाइड्स में अभी करेंगे लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस की कैलकुलेशन करना उनको कंप्यूट करना और टैक्सेबल इनकम की गणना करना इनसे संबंधित जितने भी सेक्शंस हैं वो सेक्शन 45 से 55 ए तक इनके प्रोविजंस कवर्ड हैं सेक्शन 112 ए जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस जो स्पेशल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड होते हैं उनके ऊपर टैक्स रेट की दर कर 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 की दर से रिलेटेड है तो ये सेक्शंस का विवरण है जो इनकम टैक्स एक्ट में कैपिटल गेंस के हेड को कवर करती हैं जब हम कैपिटल गेंस की बात करते हैं तो काइंड्स ऑफ कैपिटल गेन कैपिटल गेन के प्रकार ये समझना आवश्यक है क्योंकि इन दोनों को समझे बिना कैपिटल गेंस हेड को हम अच्छे से समझ नहीं सकते uh, हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकते तो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अल्पकालीन पूंजी लाभ और दीर्घकालीन पूंजी लाभ ये दो प्रकार के कैपिटल गेंस होते हैं पूंजी लाभ होते हैं और कैसे निर्धारित होता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सा है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन सा है तो जब हम किसी ऐसी संपत्ति को ट्रांसफ़र करते हैं जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो उससे जो जनरेट होने वाला कैपिटल गेंस होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस होता है जब किसी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे जनरेट होने वाला कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो अब ये कैसे निर्धारित हो कि कौन सी कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म है और कौन सी कैपिटल कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म है तो किस एसेट को हमने कितने समय तक अपने पास रखा अपने पास रिटेन किया और उसके बाद हस्तांतरित किया ये पीरियड ये अवधि इस बात को निर्धारित करती है कि कोई एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या कोई एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है जब हम इस पीरियड की बात करते हैं तो तीन प्रकार के पीरियड्स हैं जिनके आधार पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का निर्धारण होता है एक बारह महीने की अवधि एक चौबीस महीने की अवधि और एक छत्तीस महीने की अवधि ट्वेल्व मंथ्स ट्वेंटी फोर मंथ्स एंड थर्टी सिक्स मंथ्स जब हम किसी ए, एसेट को ट्वेल्व मंथ्स या ए, इससे कम अवधि में अपने पास रख के ए, एसेट को हस्तांतरण करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानी जाएगी और मोर देन ट्वेल्व मंथ्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का निर्धारण जब 12 मंथ्स की कट ऑफ पीरियड के आधारित पे आधार पर होता है तो हम ऐसी एसेट्स में लिस्टेड सिक्योरिटीज़ ऐसी प्रतिभूतियाँ जो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हैं हम ऐसी हम जो यूनिट्स हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के या किसी म्यूचुअल फंड्स के ऐसे यूनिट्स जो किसी इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स से रिलेटेड हैं जो समता आधारित यूनिट्स हैं या ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स तो तीन प्रकार की एसेट्स लिस्टेड सिक्योरिटीज़ और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स और जीरो कूपन बॉन्ड्स ये तीन एसेट्स ऐसी हैं जिनका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का निर्धारण हम ट्वेल्व मंथ्स के पीरियड के आधार पर करते हैं अब आती है बात ट्वेंटी फोर मंथ्स की जब हम चौबीस महीने की अवधि तक अपनी एसेट्स को रख के ट्रांसफ़र करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म बन जाती है चौबीस महीने से पहले या एग्जैक्ट चौबीस महीने पे हम किसी एसेट को ट्रांसफ़र करें तो शॉर्ट टर्म कहलाएगी जब हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का निर्धारण चौबीस महीने के आधार पर 24 फोर मंथ्स के आधार पर करते हैं तो ऐसी एसेट्स या तो अनलिस्टेड शेयर्स होती हैं या फिर कोई लैंड या बिल्डिंग कोई रियल एस्टेट होती है तो असूचीकृत अंश जो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जिनका सूचकांकन नहीं है जो लिस्टेड शेयर्स नहीं है, ऐसे शेयर्स और लैंड एंड बिल्डिंग ये दोनों का लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का निर्धारण 24 मंथ्स के आधार पर होता है 36 मंथ्स के आधार पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का निर्धारण होने वाली एसेट्स हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कोई या अन्य किसी म्यूचुअल फंड्स के ऐसे डेट ओरिएंटेड फंड्स ऐसे यूनिट्स जो इक्विटी uh, ओरिएंटेड नहीं है डेट ओरिएंटेड हैं इसके अलावा कोई अनलिस्टेड सिक्योरिटीज जो शेयर्स नहीं है क्योंकि हमने आपको बताया कि अनलिस्टेड शेयर्स का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का निर्धारण 24 मंथ्स के आधार पर होता है लेकिन शेयर्स के अतिरिक्त अन्य सिक्योरिटीज़ जो अनलिस्टेड हैं जो किसी रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है ऐसे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ ऐसी सिक्योरिटीज़ जो अदर देन शेयर्स हैं उनका निर्धारण हम थर्टी मंथ्स के आधार पर करते हैं इसके अलावा अन्य बची हुई कोई भी एसेट्स जो न 12 मंथ्स के पीरियड के अंतर्गत जिसका जिक्र आया न no 24 मंथ्स के अंतर्गत जिसका जिक्र आया ऐसी अन्य सभी प्रकार की संपत्तियां जो कैपिटल एसेट हैं वो 36 मंथ्स के आधार पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में निर्धारित होती हैं तो कैपिटल गेंस हेड की जब हमने शुरुआत की थी तो हमने ये डिस्कस किया था कि कैपिटल गेंस के लिए दो चीज़ों का आवश्यक हो, होना आवश्यक है कैपिटल एसेट और ट्रांसफ़र तो सबसे पहले हम कैपिटल एसेट की परिभाषा को कैपिटल एसेट के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे कैपिटल एसेट्स की जो डेफिनेशन है वो एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है यानी कि कुछ चीज़ों को छोड़कर बाकी सारी संपत्तियां कैपिटल एसेट की कैटेगरी में रखी जा सकती हैं तो क्या क्या चीज़ें कैपिटल एसेट नहीं होती किन को छोड़कर हम शेष एसेट्स को कैपिटल एसेट्स मानते हैं उनका जिक्र हम यहाँ हमने यहाँ पे स्लाइड में किया है सबसे पहले स्टॉक इन ट्रेड व्यापारिक रहती है स्टॉक इन ट्रेड का मतलब ऐसा माल जो हम व्यापार के पर्पज़ से दोबारा बेचने के लिए ख़रीदते हैं अपने दुकान में गोदाम में रखते हैं वो माल व्यापारिक रहिया कहलाता है जो हम पुनः विक्रय के उद्देश्य से फॉर रीसेल पर्पज़ हम खरीदते हैं तो वो व्यापारिक रहती कैपिटल असेट में शामिल नहीं होता इसके अलावा व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तुएं पर्सनल इफेक्ट्स जो ऐसी मूवेबल एसेट्स जो व्यक्तिगत प्रयोग की हैं किसी व्यक्ति का कोई घड़ी है कोई चश्मा है कोई पहनने का सामान है कोई मोबाइल फोन्स हैं कोई व्हीकल है जो उसने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए खरीदा है इसका मूवेबल एसेट होना आवश्यक है और ये भी आवश्यक है कि वो मूवेबल एसेट्स किसी प्रेशस मटेरियल से किसी बहुमूल्य धातु से, से ना बनी हो उसमें कोई बहुमूल्य रत्न प्रेशस स्टोन्स ना जड़े हुए हों या कोई व्यक्तिगत प्रयोग की वो वस्तु आर्क्योलॉजिकल इम्पोर्टेंस की पुरातात्विक महत्व की नहीं होनी चाहिए इसके अलावा रूरल एग्रीकल्चर लैंड को भी हम कैपिटल एसेट्स की परिभाषा में शामिल नहीं करते रूरल एग्रीकल्चर लैंड से तात्पर्य किसी ऐसी लैंड से है जो किसी रूरल एरिया में है ग्रामीण क्षेत्र में है ग्रामीण क्षेत्र से मतलब यह तो जिस जगह पे वो स्थित है उसकी पॉपुलेशन दस हज़ार से कम है या फिर अगर दस हज़ार से एक लाख की आबादी के बीच के शहर के अंदर वो लैंड स्थित है तो वो शहर की सीमाओं से दो किलोमीटर बाहर होनी चाहिए दस हज़ार से एक लाख की सीमा पॉपुलेशन वाले शहर में वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सीमा से दो किलोमीटर बाहर स्थित होनी चाहिए अगर उस शहर की पॉपुलेशन एक लाख से दस लाख के बीच में है तो म्यूनसपल कॉरपोरेशन की सीमा उसे छः किलोमीटर के बाहर होनी चाहिए और यदि उस शहर की पॉपुलेशन दस लाख से भी ज़्यादा है तो म्यूनसपल कॉरपोरेशन की जो सीमाएँ हैं उससे वो लैंड कम से कम आठ किलोमीटर की दूरी पर स्थित होनी चाहिए तो नगर पालिका को सीमा के अंतर्गत आने वाली लैंड्स कभी ग्रामीण भूमि नहीं हो सकती नगर पालिका की सीमाओं से दो किलोमीटर छः किलोमीटर या आठ किलोमीटर की सीमा के बाहर स्थित जो कृषि भूमि है उसको हम ग्रामीण कृषि भूमि कहते हैं और रूरल एग्रीकल्चर लैंड को भी हम कैपिटल एसेट्स की परिभाषा में शामिल नहीं करते इसके अलावा स्पेशल बियर बॉन्ड्स और गोल्ड बॉन्ड्स ये दो तरह के बॉन्ड्स हैं जो केंद्र सरकार ने जारी किए थे तो स्पेशल बियर बॉन्ड्स और गोल्ड बॉन्ड्स को भी हम कैपिटल एसेट्स की परिभाषा से एक्सक्लूड करते हैं जहाँ तक वर्ड ट्रांसफ़र की डेफ़िनेशन से हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र वर्ड में जो कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें देखने में ट्रांसफ़र लगती हैं लेकिन कैपिटल के पर्पज़ से उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाता या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ट्रांसफ़र्स हमें दिखने में ट्रांसफ़र नहीं लगते लेकिन हम उनको कैपिटल गेन से आयकर के पर्पज़ से कैपिटल गेंद से हेड में ट्रांसफ़र मान लेते हैं तो ट्रांसफ़र वर्ड के कंसेप्ट को समझने के लिए ये आवश्यक है कि हम दोनों तरह की चीज़ें पढ़ें कि ट्रांसफ़र में क्या क्या शामिल किया जाता है तो सबसे पहले ट्रांसफ़र में शामिल होने वाली चीज़ें कोई भी सेल या एक्सचेंज अगर आपने कोई चीज़ बेची है या किसी एसेट के बदले में कोई दूसरी एसेट एक्सचेंज की है तो उसका राइट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जब एक्सचेंज होता है सेल होती है तो हम उसको ट्रांसफ़र मानते हैं इसके अलावा अगर हमने किसी संपत्ति में अपना कोई राइट अपना कोई अधिकार खत्म कर लिया है एक्सटिंगशमेंट ऑफ एनी राइट कोई हमने कोई ऐसी एसेट्स है जिसके अंदर हमारा हिस्सा है हमारा शेयर है हमारा हक है और हम उस हक़ को छोड़ दें अपने हक़ को ख़त्म कर लें और उसके बदले में कोई ऐ... पैसे ले लें उसका प्रतिफल प्राप्त कर लें और प्रतिफल प्राप्त करके अपने हक को उसमें छोड़ दें तो ऐसे ट्रांजैक्शन को भी हम एक्सटिंगशमेंट ऑफ एनी राइट को कहते हैं और इस तरह से हक़ को छोड़ना भी ट्रांसफ़र माना जाता है इसके अलावा रिडम्शन ऑफ़ जीरो कूपन बॉन्ड्स ऑन मैच्योरिटी जीरो कूपन बॉन्ड्स से आशय अधिकतर ऐसे बॉन्ड्स से है जो बड़े दीर्घ अवधि के होते हैं और हम काफ़ी समय बाद उसकी एक मैच्योरिटी वैल्यू बताते हैं जैसे कई बार इस तरह के बॉन्ड्स निकलते हैं कि आज अगर आप पाँच हज़ार रुपये इन्वेस्ट करें तो पच्चीस साल बाद आपको एक लाख रुपए मिलेंगे तो इस तरह के दीर्घ अवधि के बॉन्ड्स जिनके अंदर कोई इन... सालाना ब्याज की दर तो नहीं दे रखी होती लेकिन एक लंबी अवधि के बाद उसकी मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी होती है ऐसे जीरो को ऐसे बॉन्ड्स को हम जीरो कोपन बॉन्ड्स कहते हैं तो उनकी मैचोरिटी होने पर जब हम बॉन्ड्स को सरेंडर करते हैं और उसकी मैच्योरिटी वैल्यू हमको प्राप्त होती है तो ऐसा रिडम्शन भी अपने आप में ट्रांसफर माना जाता है इसके अलावा कंपल्सरी एक्विजिशन कंपल्सरी एक्विजिशन एक ऐसी प्रकार का उदाहरण है जो देखने में ट्रांसफर नहीं लगता लेकिन फॉर द पर्पज़ ऑफ़ इनकम टैक्स फॉर द पर्पज़ ऑफ कैपिटल गेन्स हम इसको ट्रांसफर मान लेते हैं कंपल्सरी एक्विजिशन मैन में, में यानी अनिवार्य अधिग्रहण अनिवार्य अधिग्रहण का मतलब सरकार के पास ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं ऐसे संवैधानिक अधिकार हैं कि यदि किसी व्यक्ति की कोई ज़मीन है कोई मकान है कोई अचल संपत्ति है और सरकार राष्ट्रहित में आवश्यक समझती है कि उसका अधिग्रहण कर लिया जाए कहीं किसी की ज़मीन पर से कोई हाईवे निकलना है कोई रेलवे की लाइन निकलनी है किसी ज़मीन के नीचे अगर पेट्रोलियम या कोई खनिज बहुमूल्य पदार्थ निकलाए तो सरकार राष्ट्र हित के अंदर उसकी ज़मीन का अधिग्रहण कर सकती है ऐसा करते समय सरकार उसको उस ज़मीन का जो मूल्य होता है वो देती है और अनिवार्य रूप से उस जमीन को उस मकान को उस एमूबल एसेट्स को एक्वायर कर लेती है इस तरह का एक्विजिशन ट्रांसफ़र करने वाले व्यक्ति के इच्छा पर डिपेंड नहीं करता सरकार अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का इस्तेमाल करके जब किसी का अनिवार्य रूप से संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो ये ट्रांसफर ट्रांसफर जैसा प्रतीत भले न हो लेकिन कैपिटल गेंस के पर्पज से कंपलसरी एक्विजिशन को ट्रांसफ़र माना गया है इसके अलावा अलाउिंग पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उस एक्ट की सेक्शन 53 के अंतर्गत पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र आता है जिसमें अर्धपूर्ण अपूर्ण अनुबंध पार्ट परफॉर्मेंस जो पूरी तरह से परफॉर्म नहीं हुए और अपूर्ण अनुबंधों के अंतर्गत यदि कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को पोजीशन उसका एन्जॉय करने के हक दे देती है कि संपत्ति का भले ही पूरा मूल्य न मिला हो अभी खामियाजा उसका प्रतिफल आधा ही पे किया गया है लेकिन उस संपत्ति को आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसका पोजीशन अपने पास बनाए रख सकते हैं तो अंडर द पार पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यदि किसी को संपत्ति को इस्तेमाल करने का या संपत्ति को एंजॉय करने का या संपत्ति को अपने पोजीशन में रखने का अधिकार प्राप्त होता है तो ऐसा ट्रांसफ़र भी हम कैपिटल गेम्स के पर्पस पर ट्रांसफ़र की डेफिनेशन के अंतर्गत रखते हैं या ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे किसी भी प्रॉपर्टी का फ्री एन्जॉयमेंट किसी व्यक्ति को मिल जाए वो पूर्ण रूप से उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकता हो उसका सारा यूज़ कर सकता हो उसको बेच सकता हो उसको अन्य प्रेपर से काम में ले सकता हो तो ऐसा अगर फ्री एन्जॉयमेंट किसी प्रॉपर्टी का किसी को दिया गया है तो भले ही उसको हम अलग अलग नाम से पुकारें या उसको टेक्निकली किसी अलग अनुबंध के अंतर्गत रखें लेकिन वो सेल न भी हो तो भी फ्री एन्जॉयमेंट्स देने वाले जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो भी ट्रांसफ़र की डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं और इस स्लाइड में हम ऐसे ट्रांसफ़र्स या ऐसे ट्रांजेक्शन्स का जिक्र करेंगे जिसको हम ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में नहीं रखते जिनको हम हस्तांतरण नहीं मानते इसके अंतर्गत पार्टीशन ऑफ ए हिंदू अन फैमिली जब किसी हिंदू अन डिवाइडेड फैमिली संयुक्त हिंदू परिवार का विभाजन होता है उसके विभाजन पर संपत्तियों का ट्रांसफ़र उसके सदस्यों के बीच होता है तो ऐसे पार्टीशन को भी हम ट्रांसफ़र नहीं मानते किसी संपत्ति को अगर हम गिफ्ट या इिवुकेबल ट्रस्ट अखंडनीय ट्रस्ट के अंतर्गत ट्रांसफ़र कर दें तो ऐसी गिफ्ट या इिवुकेबल ट्रस्ट के अंतर्गत दी गई संपत्तियाँ भी हम ट्रांसफर की डेफिनेशन में नहीं रखते इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ एसेट्स ऑफ और, और शेयर्स ऑन ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कंपनी हम ये जानते हैं कि कभी कभी कंपनीज का मेल्गेमेशन होता है कंपनी का मर्जर होता है कंपनी का डिमर्जर होता है तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल चेंजेस जब किसी कंपनी के अंदर होते हैं तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जो एसेट्स ट्रांसफ़र होती हैं शेयर्स का आदान प्रदान होता है तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग के अंतर्गत होने वाली एसेट्स के ट्रांसफ़र्स को भी हम ट्रांसफ़र की डेफिनेशन से बाहर रखते हैं कैपिटल गेन के पर्पज़ से इसके अलावा जब किसी होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी के बीच में एसेट्स का हस्तांतरण होता है कोई ऐसी कंपनी जिसके 100 प्रतिशत शेयर किसी अन्य कंपनी के पास हों तो वो कंपनी uh, उस कंपनी की होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी कहलाती है और जिस कंपनी ने ऐसे शेयर्स अपने पास रखे हैं वो कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाती है तो हंड्रेड परसेंट कंपनी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बीच में एसेट्स का हस्तांतरण भी हम हस्तांतरण नहीं मानते और एसेट्स uh, ट्रांसफ़र की डेफिनेशन से बाहर रखते हैं इसके अलावा यदि कोई पुरातात्विक महत्व की वस्तु है कोई आर्टिकल आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस का आर्टिकल है और उसको उसका हस्तांतरण एक हाथ से दूसरे हाथ में अवैधानिक माना जाता है लेकिन यदि हमारे पास कोई पुरातात्विक महत्व की वस्तु है और उसे हम किस सरकार को या सरकार के किसी संग्रहालय को म्यूजियम को या किसी यूनिवर्सिटी को हस्तांतरित करते हैं और उसके बदले में हमें कुछ पैसा प्राप्त होता है या उसका प्रतिफल प्राप्त होता है तो ऐसा सरकार के हक में किया गया आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की वस्तुओं का हस्तांतरण भी हस्तांतरण नहीं माना जाता इसके अलावा हम जब कंपनीज़ के अंतर्गत कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज़ हो जाता है कंपनी कभी प्रेफरेंशियल शेयर्स को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर्स दे देती हैं कभी डिबेंचर्स को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर्स दे, दे देती हैं कभी इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट करके प्रेफरेंशियल शेयर्स दे दिए जाते हैं तो एक सिक्योरिटीज़ का कन्वर्जन जब अन्य किसी सिक्योरिटी के अंदर कंपनी के द्वारा किया जाता है तो एक सिक्योरिटी को ले जब दूसरी सिक्योरिटी दी जाती है तो ऐसा लेन भी ट्रांसफ़र के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता इसके अलावा रिवर्स मॉर्गेजेस हैं जो रिवर्स oh, मॉर्गेज के अंतर्गत अधिकतर कुछ ओल्ड एज पर्सन्स जो अपनी संपत्ति को अपनी अचल संपत्ति को इनहेरिट नहीं करना चाहते अपने किसी डिपेंडेंट को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते बल्कि किसी बैंक के साथ कोई ऐसे फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स कर लेते हैं कि बैंक उस उनकी मृत्यु के बाद उस संपत्ति को ले ले लेकिन जब तक वो जीवित रहें तब तक एक निश्चित भुगतान बैंक उनको उनके लाइफ सपोर्ट के लिए देता रहे तो इस तरह के जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स होते हैं ये रिवर्स मॉर्गेज के अरेंजमेंट्स कहलाते हैं तो इस तरह के रिवर्स मॉर्गेज को भी हम ट्रांसफर्स की डेफिनेशन में शामिल नहीं करते